हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, और आज का वीडियो होने वाला है एक मिनी रिव्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक न्यू लॉन्च सनस्क्रीन की, जिसमें मैं एक मिनी रिव्यू करने वाली हूँ। तो रिसेंटली फॉक्सटेल ने एक ग्लो सनस्क्रीन लॉन्च कर दी है अपनी वेबसाइट पे। तो लॉन्च करने से पहले, कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे सैंपल सेंड किया था। आप देख सकते हैं ये लैब सैंपल है, वो मुझे सेंड किया था देखने के लिए, स्किन पे टेस्ट आउट करने के लिए कि स्किन कैसे वर्क कर रही है, इसे अप्लाई करने के बाद ग्लो या स्किन ब्राइट देखने को मिली कि नहीं मिली। ओवरऑल ये जो लैब सैंपल है ना, मेरे को दिया ब्रांड ने टेस्ट करने के लिए स्किन पे। तो मैंने इसको कुछ दिन अपने स्किन पे लगाया, ये देखने के लिए कि स्किन पे कैसे वर्क कर रहा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट दिस सनस्किन ओनली मिनी रिव्यू। मिनी रिव्यू आप बोल सकते हो, लाइक इसे यूज करने के बाद मैंने क्या फील किया, मेरा क्या फीडबैक रहा, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। अगर ब्रांड मुझे फुल साइज सेंड करता है, तो बाद में मैं इसका एक डिटेल में जरूर रिव्यू करूंगी। आज के वीडियो में इस ग्लो सनस्क्रीन को मैं लाइव, मतलब आपके सामने ही अप्लाई करूंगी, जिससे आप इजीली देख पाओगे कि रियली मैं स्किन में कुछ ग्लो देखने को मिल रहा है कि नहीं। जैसा कि अभी मैंने अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया है, बट अभी कोई सनस्क्रीन मैंने अपने स्किन पे नहीं लगाई। तो इस वीडियो में मैं इस सनस्क्रीन को भी आपके सामने अप्लाई करूंगी, और ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है, तो वीडियो का जरूर देखें, तभी आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं इसी तरह की ढेर सारी वीडियो लेके आती रहती हूँ रिलेटेड टू स्किन केयर, मेकअप एंड हेयर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये जो ग्लो सनस्क्रीन है फॉक्सटेल की, वो वेबसाइट पे लॉन्च हो चुकी है। तो अगर आपको खरीदनी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एंड मेरा कूपन कोड यूज करना ना भूले, उससे आपको मिल पाएगा 15% का डिस्काउंट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, और कूपन कोड भी मेंशन कर दिया है। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको खरीदना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पैकिंग की बात नहीं करूंगी, बिकॉज पैकिंग मेरे पास है नहीं, बट मैंने वेबसाइट पे जाके देखा था, ये ट्यूब की पैकिंग आती है, जैसे उनकी एक अदर सनस्क्रीन थी, कुछ उस तरह से सिमिलर है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि जब मैंने इसको अपनी स्किन पे कुछ दिन टेस्ट आउट किया, तो मेरे को कैसा फील हुआ, रियली में मेरी स्किन मुझे ग्लो फील हुई, या थोड़ा बहुत क्या ये क्लेम करता है, वो इस वीडियो में शेयर करें। सबसे आप पहले सैंपल देख सकते हो, बहुत ही छोटा सा सैंपल है, और अंदर से जब मैंने इसका पहली बार टेक्सचर देखा, क्योंकि सबसे पहले क्या है, जब मुझे सैंपल मिला, तो सबसे पहले दिमाग में आता है ये अंदर से देखने में कैसी है। तो अंदर से ये थोड़ी सी व्हाइट कलर की है, लाइक स्लाइटली क्रीम कलर की, और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, मतलब हाथ में लेते ही ये लाइट वेट फील हुई, थिक टेक्सचर नहीं है, जो मुझे पर्सनली फील हुआ। मैंने पर्सनली देखा कि इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं है। पहले फॉक्सटेल के क्लीनर, सनस्क्रीन, सीरम मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट की रिव्यू की है, और सब में कहीं ना कहीं किसी में ज्यादा किसी में स्मेल जरूर रही है, बट इस सनस्क्रीन में मुझे किसी भी तरह की कोई स्मेल नजर नहीं है। मैंने अपने स्किन पे इसे अप्लाई किया, सेकंड्स के अंदर ये एब्जॉर्ब हो गया। कुछ सनस्क्रीन होती है जो आपको व्हाइट कास्ट नहीं देती है, बट थोड़ा सा आपको टाइम लगता है उसे एब्जॉर्ब करने में, बट ये फास्ट आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो मैंने पर्सनली भी फील किया। तो चलिए मैं आपको लाइव ना रिजल्ट भी दिखा तो चलिए मैं इसका टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ। देखो किस तरह का इसका टेक्सचर है, देखिए मैंने हाथ में लिया और ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे कि मैंने हैंड में आपको करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से ये फेस पे भी अप्लाई हो गया, और देख सकते हैं एक स्लाइटली सा ग्लो ये मेरे हैंड्स में देखने को मिल रहा है। और ये सनस्क्रीन जीरो व्हाइट कास्ट देती है, मैंने ऐसा फील किया, किसी भी तरह का मुझे कोई व्हाइट कास्ट भी देखने को नहीं मिला। और ब्रांड ऐसा क्लेम करता है कि दिस इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, हर स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। बात समर्स की, अभी समर्स आ ही चुका है, तो समर्स के लिए ये सनस्क्रीन बेस्ट है, इफ यू वांट टू ट्राई तो आप कर सकते हो। और ब्रांड ऐसा भी क्लेम कर रहा है कि ये टैनिंग से आपको बचाएगा, सन डैमेज से बचाएगा, तो उसके लिए डेली यूज करना पड़ेगा, तो ये पता चलेगा। तो चलिए अब मैं आपको ना लाइव इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ अपने फेस पे, देन देखेंगे कितना इसमें ग्लो देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये है सनस्क्रीन, देन मैं कुछ अमाउंट लूंगी, देन मैं पहले इसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे अप्लाई कर लूंगी, देन आफ्टर दैट आई विल मसाज ऑल ओवर योर फेस एंड नेक। नेक पे तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। मुझे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर काइंड ऑफ सनस्क्रीन लगी, जैसे कि थोड़ा सा थिक टेक्सचर होता है, आपने देखा होगा सनस्क्रीन का, ये बिल्कुल एक आपको ना लाइट वेट मॉइस्चराइजर जैसा फीलिंग देगा, कि जैसे आपको लाइट वेट मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हो, जो आपको बिल्कुल भी चिपचिपा फीलिंग नहीं देता है, और एट द सेम टाइम आपकी स्किन को ना ग्लो करता है आफ्टर फर्स्ट एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं मैंने ज्यादा इसको मसाज नहीं किया, बहुत ही जल्दी ये स्किन में एब्जॉर्ब हो गया, जो मुझे इसका सबसे अच्छा लगा। अब जैसे सिटी में मैं रहती हूँ, वहां पे तो गर्मी बहुत पड़ती है, सर्दी नहीं पड़ती है मुंबई जैसे शहर में, तो यहाँ पे तो सनस्क्रीन लगाना एक चैलेंज हो जाता है, या फिर कोई चिपचिपा प्रोडक्ट लगाना बहुत
बड़ा एक टास्क हो जाता है। तो ये सनस्क्रीन जब मैंने अप्लाई की है, घर पे बैठ के भी की है, बाहर जाने से पहले भी मैंने इसे अप्लाई किया है, ना ही मेरी स्किन से कोई स्वेटिंग मुझे पर्सनली फील हुई, ना ही मेरा स्किन काला पड़ा, कुछ सनस्क्रीन लगाने से हो जाता है, ना ही कोई व्हाइट कास्ट मिला। अब आप देख सकते हो, अब जैसे कि मैंने कुछ क्लिप ले ली थी इस सनस्क्रीन को लगाने से पहले और इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद, आप क्लिप्स में देख सकते हो, आपको थोड़ा बहुत अगर आपको डिफरेंस दिख रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ये ना स्किन को देखो अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, बट मैंने क्या है पहले से स्किन केयर रूटीन किया हुआ था, इससे पहले टोनर सीरम एंड मॉइस्चराइजर लगाया हुआ था, उसके बाद सनस्क्रीन लगाया है, तभी स्किन थोड़ा सा मॉइस्चराइज दिख रहा है। बट मैंने इसको सिर्फ लाइक नॉर्मल ड्राई स्किन पे भी अप्लाई किया है, ये स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। और मैं पंखा बंद करके शूट करती हूँ सारे, तो अभी भी पंखा बंद है और मैंने आपके सामने सनस्क्रीन लगाई, रियली में गाइस मुझे कोई भी पसीना नहीं आ रहा, मुझे किसी भी तरह का कोई स्वेटिंग नहीं फील हो रहा, ना ही मुझे अंदर से कोई गर्मी लग रही है। नहीं तो क्या है ना कि फैन ऑफ करके गर्मी में और एक सनस्क्रीन लगा के बैठना बहुत अजीब सा चिपचिपा हो जाता है, जो इसके साथ नहीं है। एंड साथ ही ब्रांड ऐसा भी क्लेम करता है कि ये प्री मेच्योर एजिंग से भी आपको बचाएगा। प्री मेच्योर एजिंग होती है जो समय से पहले आपके स्किन पे दिखने लग जाती है, समय से पहले या टाइम से पहले आपके आंखों के पास या लिप्स के आसपास रिंगल्स दिखने लग जाते हैं, उसको प्री मेच्योर एजिंग कहते हैं, ऐसा ब्रांड क्लेम करता है। ना ही मेरे उन ब्रेकआउट्स को कोई तकलीफ हुई और ना ही कोई नया ब्रेकआउट्स मुझे आया, ये मेरा पर्सनल फीडबैक है और आई एम लविंग इट, बिकॉज फॉक्सटेल के बहुत सारे प्रोडक्ट मैं रिव्यू कर चुकी हूँ और जिनके जिनके रिव्यू किए वो मेरे सीरियसली पर्सनली फेवरेट रहे हैं। तो ये सनस्क्रीन भी मुझे अच्छी लगी है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई अ फुल साइज प्रोडक्ट, होप ब्रांड मुझे सेंड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में या जब भी मुझे आ जाएगा तो मैं डिटेल में बात करूंगी उस प्रोडक्ट के बारे में। अब जैसा मैंने देखा कि इसको अप्लाई करने के बाद स्किन में एक अच्छा सा ग्लो मिल जाता है, कोई चिपचिपा फीलिंग नहीं होती, तो मैं आपको बोलूंगी बिफोर मेकअप भी आप इस सनस्क्रीन को जरूर ट्राई कर सकते हो। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी आप ये सनस्क्रीन डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू ग्लो ऑन योर स्किन, एंड अगर आपको टैनिंग से बचना है, प्री मेच्योर एजिंग से बचना है, साथ ही आपको सन डैमेज से भी आपको बचाएगी। हो सकता है ये मिनी से ज्यादा लॉन्ग ना बन गया हो वीडियो, वो एडिट करते समय मुझे पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। अगर आपको कुछ पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।